आज सुबह सुबह किशनबाग डिवीज़न में एक हादसा हुआ है, जिसका अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ। ये किशनबाग में लैड के दफ्तर के सामने ये गद्दों की ग्रोइंग की एक फैक्ट्री थी और बाजू ग्लेट मशीन का कारखाना था। लाइट का सर्किट शॉर्ट होने की वजह से आँच लग गई है। आँच इस कदर लगी थी कि बुझाना बहुत मुश्किल था। मेरे को मेरे इब्तदाई सदर नासिर साहब इतला देते ही फ़ौरन मैं फायर वालों को इतला दिया और फायर डिपार्टमेंट 15 से 20 मिनट में पर पहुँच कर कवर किया है, मगर आँच बेकाबू आँख थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 घंटे में काबू में हुई है। मगर बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसका ये गद्दों की जो कंपनी थी कम से कम 1.5 करोड़ का लॉस हुआ है। बाजू को लेथ मशीन का कारखाना है, लेथ मशीन वालों का भी लाखों रुपए का लॉस हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि अपनी अपनी सेफ्टी करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर से ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लाइट का प्रॉब्लम हुआ। मैं मेरे इब्तदाई सदर मुतमदीन सबका शुक्रिया करता अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर फायर डिपार्टमेंट वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन लोग अपनी मेहनत अपनी जान पर खेल कर जो लोग की सेफ्टी करे है, जो प्रॉपर्टी को सेफ करे है लोग, जो नुकसान हो रहा था उसको और नुकसान से बचाए। मैं यहाँ के एरिया पीएस का भी डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट भी सुबह से साथ है, और वाटर डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत थी। इमीडिएटली डिपार्टमेंट ने पानी फायर को भर भर के दिया गया है। कम से कम 8 फायर यहाँ पर आकर बुझाए हैं और अभी भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह चला जल्द से जल्द ये काम होगा। मस्जिद से तहदल मुस्लिमीन जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का करम है। माली नुकसान हुआ है, जो भी हो सकता है मस्जिद से तहदल मुस्लिमीन हुकूमत से इनको जोर डाल के जो नुकसान हुए हैं कोशिश करेंगी कि दिलाने की। अल्लाह का करम ये है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर एक बार मैं यहाँ के इब्तदाई सदर का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह इतला देते ही मैं फौरी फायर स्टेशन फायर वालों को डिपार्टमेंट वालों को इतला दिया और वो लोग आए आके काम करे, अभी भी आ रहे हैं एक साथ। अब तक 8 फायर बुझाए है फायर, और आगे भी कुछ होगा तो इंशाल्लाह ताला मंजिल से तहदिल मुस्लिम आपके बीच में रह के काम करें। Thank you.
नहीं कर सकते।